For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. बताइए एसआरके रॉयल फैन क्लब के बारे में, कोलकाता के बारे में और शाहरुख की आपकी दीवानगी के बारे में। आप दोनों से जानना चाहूँगा इस ग्रुप के बारे में, इस फैन क्लब के बारे में, प्लीज़ बताइए। फैंस क्लब के बारे में क्या बताएं, हमारे फैंस क्लब का तो मेन ओनर सलीम एसआरके खान, जिसको हम सलीम बोलते हैं, हमारा फ्रेंड है। और ये फैंस क्लब हम लोग 2015 से चला रहे हैं, हर साल हम लोग मन्नत आते हैं। वो लास्ट 10 साल से मन्नत आ रहा है, वो अकेले आता था, तो अभी हम लोग एक फैंस क्लब बनाए 2015 से, 2 साल से हम लोग आ रहे हैं, सर से मिल रहे हैं, अपने फैंस क्लब को और आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। सिर्फ हम लोग का ब्रांच अभी कलकत्ता में है, वैसे तो हम लोग के ब्रांच पे बांग्लादेश, ईरान, बहुत सारा फैंस लोग हैं, बांग्लादेश से भी, ईरान से भी है। तो हम लोग ये फैंस क्लब और बड़ा करना चाहते थे, पूरा वर्ल्ड में फेमस होना चाहता है। खास है मैं ईरान से हूँ। ईरान से खास आप शाहरुख से मिलने आए हैं? यस, हर साल सिर्फ शाहरुख खान के लिए और रॉयल्स के लिए। जब मैं इंडिया में हूँ शाहरुख के लिए बहुत बेहोश हूँ और दिमाग खाएंगे शाहरुख के लिए। बस इतनी जानती हूँ कि आई लव शाहरुख खान एंड हैप्पी बर्थडे शाहरुख माई लव। फैंस लोग जितना फैन है हम लोग के साथ, जितना मेंबर्स हम लोग का क्लब का, सब मेहनत करता है, हर मूवी में मेहनत करता है। हम लोग के हर मूवी में हम लोग इवेंट करते हैं, टी शर्ट देते हैं सबको, मूवी टिकट्स देते हैं सबको, हम लोग कलकत्ता में सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। कितने लोग जुड़ गए हैं शाहरुख खान के फैन क्लब से, और शाहरुख खान की ऐसी क्या खास बात है उन्हें अलग बनाती है? शाहरुख की खास बात, पूरा बॉलीवुड एक तरफ और शाहरुख एक तरफ, उनके बारे में तो जितना भी तारीफ करो कम होता है। शाहरुख की क्या खास बात है, और यहाँ आना, इतनी धूप में खड़े रहना, इतना परेशान होना, पुलिस भी परेशान करती है, ये कितना थकाने वाला, या कि शाहरुख की इतनी मोहब्बत है कि कुछ भी चलेगा? देखिए, मोहब्बत ऐसी है कि वो कुछ भी कर दे वो अच्छा लगता है, सीधी सी बात है। उनके यहाँ आने का हम लोग मेन मोटिव है कि शाहरुख खान, जो कि इस मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए बॉलीवुड। बात तो यही है कि वो चाहे जितना भी बिजी हो जाए वो अपने फैंस के लिए टाइम निकाल ही ले। ये बंदा देखिए, ये बांग्लादेश से आया है, ये शाहरुख खान का फैन है, बांग्लादेश से आया है, ये एक सुपरस्टार का दर्द एक फैन ही समझ सकता है, और कोई नहीं। तो मतलब फैन फॉलोइंग ऐसा है। जानना चाहूंगा आपके इस पूरे ग्रुप के बारे में, और शाहरुख खान की दीवानगी के बारे में आप शाहरुख से क्या कहना चाहेंगे उनके बर्थडे के लिए, तो अपने ग्रुप के बारे में बताइए। अपने ग्रुप तो जैसे सर की यूनिवर्स तो पूरा दुनिया का अंदर है, जैसे बर्थडे का दिन में पूरा दुनिया का अंदर से फैन आता है, US, जर्मनी, हांगकांग, मलेशिया, जापान, नेपाल, मैंने हर कंट्री से फैन आता है। जैसे हम दिल्ली से आए हैं, पटना से आए हैं, जैसे औरंगाबाद से आए हैं,
हर मतलब हर सिटी से हम लोग आते हैं, मतलब बर्थडे का दिन सब इकट्ठे होते हैं। जैसे सर के फैमिली है उस हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं। कल रात को हम मन्नत के सामने केक भी काटा है। मैं मुंबई से ही हूँ एक्चुअली, बर्थडे हमारा पटना यूनिवर्स है, तो हमारी पूरी ग्रुप यहाँ पे SRK को थोड़ा विश करने आई है एंड टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। एंड इवन इट्स आर विश दैट वी मीट SRK एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ टाइम। जब मैंने देवदास मूवी देखी थी तो SRK सर मुझे तब से ही अच्छे लगने लगे, लाइक उनसे तभी से मुझे प्यार हो गया। ही वॉज माई फर्स्ट क्रश एंड तब से उनकी जितनी भी मूवीज़ देखी है धीरे 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 दीवानगी और प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया उनके लिए। शाहरुख सर के बर्थडे के लिए इधर आए हैं हम लोगों ने, कल इधर सेलिब्रेट किया, अभी वेट किया काफ़ी, अभी सर आने वाले हैं, हम लोग मिलने वाले हैं उससे, और बहुत बड़े जबरा फैन हैं। जबरा से भी जो डबल उसका भी होता है उसका भी डबल कर दिए, उसका अंत ही नहीं है, उससे भी बड़ा फैन है हम लोग। शाहरुख को क्या अलग करती है चीज़ बाकी स्टार से, शाहरुख के अंदर ऐसा क्या खास है? शाहरुख के अंदर बहुत खासियत, उसकी खासियत हम गिना नहीं सकते हैं, उसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि हम लोग जुबान से बयान नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, हम 10 सालों से मन्नत आ रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल मेरा मन्नत लास्ट ईयर है, और दीवानगी तो बचपन से ही है जब से हम उनका मूवी राम जाने वो देखे थे टीवी पे। मेरा हिस्ट्री का एग्जाम था दूसरे दिन, बट रात में हम पढ़ लेते और अचानक से टीवी में राम जाने नज़र आया। वो राम जाने देखने के बाद से मेरा दीवानगी वहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ गया, और हम बचपन से ही सोचते थे कि पहले हम मन्नत आते थे तो वैसे ही क्रॉड के साथ देख के शाहरुख खान को हम चले जाते थे, तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सा फैंस होंगे जो शाहरुख को देख के चले जाते। SRK रॉयल्स कोलकाता फैंस क्लब ओपन करने का मेन मकसद यही कि शाहरुख का जो ट्रू फैन है, जो सच्चा फैन है, जो शाहरुख तक पहुँच नहीं सकता है, मिल नहीं सकता है, हम लोग उनको शाहरुख खान से मिलाए और उनका सपना पूरा करें। SRK रॉयल्स कोलकाता फैंस क्लब में काफ़ी रिच मेंबर्स भी है, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी पुअर मेंबर्स भी, तो हम लोग सब मिला के हम लोग उसको मन्नत लेके आते हैं, SRK सर का दर्शन करवाते हैं, मन्नत दिखलाते हैं, और प्लस इंशाल्लाह हम लोग मीट का पूरा कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग कोलकाता में भी 4 बार मिल चुके हैं, यहाँ पे भी मिल चुके हैं, तो फैंस का सपना पूरा होता है, ऐसा लगता है कि मेरा सपना पूरा होगा, बिकॉज ये मेरा बचपन से सपना था कि जैसे हम 7 साल स्ट्रगल किए मन्नत में, ऐसे कोई भी फैंस स्ट्रगल ना करे, क्योंकि हम अपना पूरा ज़िंदगी शाहरुख खान को दे दिए। बाबू जी ने कहा गाँव छोड़ दो, माँ ने कहा हवेली छोड़ दो, सब ने कहा शराब पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगी दुनिया छोड़ दो। मैं तो शाहरुख खान के लिए ज़िंदगी छोड़ना चाहता हूँ, अरे कौन कम वक़्त जीने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ सिर्फ शाहरुख के लिए, शाहरुख को देख सकूँ, शाहरुख का दीदार कर सकूँ, शाहरुख को मैं तो सोता हूँ तो शाहरुख देखता हूँ, उठता हूँ तो शाहरुख देखता हूँ, दिल में धड़कन में हर जगह शाहरुख के शाहरुख। मैंने देखा बाजीगर सिपर सिल्टी को फेंक के अंदर, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें तो तुम्हारी ज़िंदगी से लेकर दूर जा रहा हूँ, वो जो सिपर सिल्टी को फेंक के होटल से निकलता ना सर, वो निकल के उससे पहले मैं धर्मेंद्र को मानता था, धर्म जी को, शाहरुख खान जो सिपर सिल्टी को फेंक के होटल से निकला, वो यहाँ पे गुजरत तीर बन के आज 22 साल हो गया है, दिल से निकलते ही मेरे पागल, क्या चीज़ है बाबू, ये शाहरुख क्या चीज़ है, 22 साल से कोई निकाले ही ना निकलता है, मेरे रोम रोम में मेरे डैड से झगड़ा होता है, मेरे मॉम से झगड़े होते हैं, मेरे मिसिस हमेशा झगड़ा करती है, आप शाहरुख की शाहरुख करते रहिएगा, मुझसे भी प्यार कीजिएगा। मैंने कहा करते हो तो प्यार है, मगर शाहरुख खान से तो आपसे ज़्यादा करते हो, रब मुझे माफ़ करे ना करे, रब से ज़्यादा प्यार करता हूँ सर को, सर से ये गुजारिश करूँ तो मेरे फैन क्लब से वो मिले। मैं हूँ शाहरुख का दीवाना, शाहरुख का ऐसा क्या नशा, सब में जो कभी से था अनजाना, दिल से बाजी करो तुम ये दिल तो पागल है, डॉन बादशाह रावण मेरी चाहत है, कभी अलविदा ना कहना तुम चलते चलते, रब ने बना दी जोड़ी है मोहब्बत यार ने मिस खानो मेरे देवदास, हो तुम कल हो ना हो कहो मैं हूँ ना, बस तुम शाहरुख 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 कहा, ना जागा ना सोया ना होश रहा, शाहरुख 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 कहा, ना जागा ना सोया ना होश रहा ना होश रहा, लव यू शाहरुख लव यू। माय नेम जतिन, मैं मुंबई से हूँ और मैं शाहरुख खान का फैन 92 से हूँ। सबसे पहली मूवी उनकी देखी थी दीवाना, तब से उनका बहुत दीवाना हो गया हूँ, जैसे उसमें बोलते हैं कि कोई ना कोई चाहे प्यार करने वाला, तब से उनका बहुत दीवाना हो गया हूँ। आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाया है, जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम उनको मीट किया था 21 फरवरी 2009, तभी इसको शूट था तभी, तो ये जो शर्ट देख रहे हो, पैंट देख रहे हो, ये पाउच क्लॉक,
कि सब मैंने एक टैग का जरूर दिया है कि सब शाहरुख को फर्स्ट टाइम मिला था। तुम जियो हजार साल, हैप्पी बर्थडे। We love Shahrukh. 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 मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शाहरुख की कब से फैन हैं और कौन सी फिल्म ऐसी देखी हो बिकम अ फैन ऑफ शाहरुख? BBL से, और मैं शायद 10 साल से इज़हार की फैन हूँ। मैं इजिप्ट से आई हूँ, मिस्र से आई हूँ। बस उसको देखना चाहती हूँ, बस ना ही काफ़ी है मेरे लिए। बहुत बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मगर बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस God bless you. If you can tell something about yourself, are you a Shahrukh fan? Yes, of course. Tell I love Shahrukh Khan. I'm from Japan. We love Shahrukh Khan, Japan. Okay, which movie have seen in Japan of Shahrukh Khan? Yeah. Kal Ho Na Ho. Oh, Kal Ho Na Ho. Yeah, yeah. Okay. Yeah.